डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ ही अब दो डिप्टी सीएम भी होंगे। देखिए खास रिपोर्ट। एक सीएम और दो डिप्टी सीएम ने ली शपथ। राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम पद की ली शपथ। जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम पद की ली शपथ। राजधानी भोपाल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अमित शाह और भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उनके अलावा जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम बने हैं। फिलहाल मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई गई। बताया जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार बाद में किया जाएगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं राजन शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों के साथ ही अब दो डिप्टी इस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ ही अब दो डिप्टी सीएम भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।